हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से प्रियंका भट्टाचार्य, जोरदार तालियां होगा। नैयर साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गाना और आपने बहुत ही अच्छा निभाया। चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कि आपका गाना उनको कैसा लगा। दीदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रियंका, आज का आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के बहुत अच्छा लगा, जो आगे से बहुत अच्छा हो गया है। गायकी भी बहुत अच्छी थी आपकी, और आप अपने भाग्य पर नहीं छोड़े कि गाना खराब है या कुछ, बिकॉज बेटा भाग्य जिसके ऊपर डिपेंड करो तो भाग्य भी उसको पसंद नहीं करता है। इसलिए मेहनत करते जाओ और भाग्य पे बिल्कुल नहीं भरोसा करो, आगे बढ़ते जाओगे। थैंक यू।
God bless you. Thank you, दीदी जी. पूर्णिमा जी. क्या क्या कर क्या रही हो तुम? मैं तुम्हारा आज एक अलग ही रूप देख रही हूँ. अच्छा गया तुम. एक्चुअली तुम्हें पता है, तुम जब गा रही थी तो मैं फिर एक फ्लैशबैक में चली गई थी. मैं बचपन में ये गाना बहुत गाती थी. इनफैक्ट ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो मेरे डैडी इस गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद थे. क्योंकि मैं तुम सबको बताना चाहूँगी, इसमें जो सैक्सोफोन का पीस आता है वो मनोहरी दा ने बजाया है, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही मैं समझूंगी नॉट ओनली इंडस्ट्री, आई थिंक इस दुनिया में उनके जैसा सैक्सोफोनिस्ट कोई हो ही नहीं सकता. थैंक यू सो मच. मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी. मैम प्लीज़, आप आके मेरे साथ ही गाना गाइए. और जान लेते हैं कि पूर्णिमा जी की परफॉर्मेंस हमारी दीदी जी को कैसी लगी. जी, अच्छा हुआ आपने बीच में वाइल्ड कार्ड में एक नए गायिका ले आए हैं. बहुत अच्छा गाया उन्होंने और इनके लिए मैं क्या बोलूँ. बहुत खूब. थैंक यू दीदी जी. प्रियंका, गुड जॉब. वेरी वेल डन बेटा. थैंक यू सो मच कि तुम मुझे फिर से मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में तुमने फिर से मुझे जीने का मौका दिया. क्योंकि मेरे डैडी जब तक मेरे साथ थे, जब तक वो ज़िंदा थे, वो यादें, वो मेरी ज़िंदगी के लम्हे मेरे सबसे खूबसूरत लम्हे थे. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू. थैंक यू पूर्णिमा जी. आप